हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को समस्या के लेकर मांग की गई कि जल्द पेंशन को बहाल किया जाए। अजमेर सिंह ने कहा कि सरकार के साथ कई बार पेंशन समस्या को लेकर बात की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले हैं। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की समस्या को लेकर सरकार से मांग की गई कि जल्द पेंशन समस्या को बहाल किया जाए। अजमेर सिंह ने कहा कि सरकार के साथ कई बार पेंशन समस्या को लेकर बात की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले हैं। आज हमारी मासिक बैठक जो है चालक ट्रेनिंग स्कूल में बस स्टैंड पर जो संपन्न हुई, इस बैठक में पेंशन के स्थायी समाधान के लिए मंथन किया गया कि किस तरीके से पेंशन का स्थायी समाधान सरकार द्वारा करवाया जाए, जो कि हमें समय पर नहीं मिलती है। हम सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हर एक सरकार के साथ हमारे कल्याण मंच जो है प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर बार बार मुख्यमंत्रियों से परिवहन मंत्रियों से मिलता रहा है, परंतु हमारी पेंशन के स्थायी समाधान का हमें सिर्फ आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला है। जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि कर्मचारियों की पेंशन समस्या का हल होगा, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का 2015 से डीए का रुका हुआ है, जिसे जल्द दिया जाए ताकि महंगाई के दौर में कुछ राहत मिल सके। हमने आस लगाई थी कि सरकार बदली है, हमें आस लगी थी कि हमारी पेंशन का स्थायी समाधान जो है वो बजट द्वारा किया जाएगा, जैसा कि दूसरे निगम बोर्डों में है। तो अभी तक भाजपा की सरकार भी जो है हमें आश्वासन ही दे रही है। इतना जरूर माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि आपकी समस्या गंभीर है, तो आपकी समस्या के बारे में ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, परंतु कब लेने पड़ेंगे अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे समक्ष बैठे, हमें वार्ता के लिए बुलाए और हमारी पेंशन का जो स्थायी समाधान है उसका हल करे। जो हमारा 2015 से डीए का एरर है, करोड़ों रुपया कर्मचारियों का रुका हुआ है, उसके लिए भी हम यहाँ कल्याण मंच की तरफ से मांग करते हैं कि जल्दी ही हमारा एक माह के अंदर अंदर उसका भुगतान किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि हाल ही में हमारे कई भाई जो हैं टेंशन से ही हार्ट अटैक होकर जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं, क्योंकि 35-35, 30-30 साल, 40-40 साल सेवा देने के उपरांत उन्हें अपना पैसा नहीं मिलेगा और परिवार चलाना मुश्किल होगा, बीमारियों से ग्रस्त होंगे, तो उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से, परिवहन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी से, कि जल्द ही हमारी कल्याण मंच की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएं और हमारी पेंशन का जो है स्थायी समाधान जल्दी से जल्दी निकालें, ताकि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, उनको राहत मिल सके। अजमेर सिंह ने कहा कि हमीरपुर जिला के विधायकों से भी पेंशन की समस्या को उठाने की मांग की है, ताकि विधानसभा के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी उम्र परिवहन निगम की सेवा करने के बाद अब बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हम इस मंच से हमीरपुर जिला के जितने भी हमारे MLA हैं, विधायक हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि विधानसभा में हमारी इस बात को रखें और पुरजोर से रखें, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक भी इस वार्ता को सुनेंगे और पढ़ेंगे और हमारी समस्या को का समाधान करवाएंगे। क्योंकि विधायक ही नहीं, मैं तो मंत्रियों से भी अपील करता हूं, हिमाचल के जितने भी मंत्री हैं,
कि सबको ये पता है कि परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के जो लोग हैं वो पेंशन के लिए जूझ रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी उनकी पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। कभी विपक्ष भी इस बात को नहीं उठाता है, पक्ष तो नहीं उठाता है मगर विपक्ष भी नहीं उठाता। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि हमारी पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में विधानसभा में बात हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बारे में भी हमारे विधायक या मंत्री जो हैं उत्सुक हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो सके। इस अवसर पर नंदलाल, ओम प्रकाश, कश्मीर सिंह, रामलाल, बलबीर पटियाल, छबील सिंह, होशियार सिंह, रूपलाल, भाग सिंह, अशोक कुमार, दिलेराम, हरनाम सिंह, बलदेव सिंह, बलवंत किशन भी मौजूद रहे।